अभिषेक शादी की पुस्तक गुलिस्तान पहला अध्याय 34वीं कहानी बोले मर्द आकस्त अजरुए तहकीक के चूं खस्म आयदश वातिल न गोयत अर्थात बड़ा आदमी वही है जो गुस्से में भी आत्मसंयम किए रहता है। हारून रशीद के लड़कों में से एक लड़का क्रोध में लाल पीला होकर अपने बाप के पास गया और उससे शिकायत की, अमुक अफसर के पुत्र ने मेरी माँ के विषय में बुरी बुरी बातें कही हैं। हारून ने अपने मंत्रियों से पूछा कि ऐसे अपराध की सजा क्या होनी चाहिए। एक ने कहा उसे जान से मरवा डालिए, दूसरे ने कहा उसकी जीभ कटवा लीजिए, तीसरे ने कहा कि उस पर जुर्माना कीजिए और अपने राज्य से निकलवा दीजिए। हारून ने कहा मेरे प्यारे पुत्र उसे क्षमा कर दो, अगर तुम में क्षमा करने योग्य मानसिक बल नहीं है तो तुम भी बदले में उसकी माँ को गाली दे दो, किंतु बदले की सीमा का उल्लंघन मत कर जाओ, अन्यथा हम ही उल्टे पाप के भागी हो जाएंगे। बुद्धिमानों की राय में वह शख्स बहादुर नहीं है जो मतवाले हाथी से लड़ता है, लेकिन वह शख्स सचमुच बुद्धिमान है जो गुस्से की हालत में भी मुंह से बेजा बात नहीं निकालता। एक दुष्ट ने किसी को गालियां दी, उसने गालियां सह ली और कहा कि यह होनहार जवान है, हम में क्या क्या दोष है। इस बात को जितना हम जान सकते हैं उतना दूसरा नहीं जान सकता। कहानी से शिक्षा, क्रोध के समय मन को वश में रखना चाहिए। कहानी समाप्त।